हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आरएस पांडा वाईटी यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आरएस पांडा वाईटी, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगा जुबा में फ्री में कैरेक्टर कैसे जीतें इवेंट पूरा करके। तो आप सभी देख रहे होंगे मेरे 2336 पॉइंट हो चुके हैं, तो एक किल का हमें 20 पॉइंट मिलता है। तो 20 पॉइंट मिलता है तो हमें टॉप 5% के लिए आने के लिए 12,000 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो टॉप 5% पे हमें देखो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमें मिल सकता है, तो हमें उसके लिए 12,000 पॉइंट्स करने पड़ेंगे। तो वो बताता हूँ कैसे करना है। गलती से ट्रिप स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलो किसी बंदे से मर जाते हैं। ये मार देंगे बंदे, जल्दी मारो। हाँ गाइस, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वॉइस वाली वीडियो बनाऊंगा। अगर इस पर व्यूज़ ज़्यादा है ना तो वॉइस वाली वीडियो में बनाना स्टार्ट कर दूंगा, गेम प्ले विथ वॉइस। तो माइनस लगाने के लिए हम सोरो फुल स्टार्ट करते हैं लावा वाला, जो कि लावा वाला मैप सही है माइनस लगाने के लिए। तो जाता हूँ फटाफट से माइनस लगाता हूँ। वैसे गाइस थोड़ी तकलीफ़ हो रही है मेरे को अभी बनाने में, क्योंकि तो पहली बार वॉइस ओवर वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वीडियो में आ जाऊँगा। तो जैसे कि अगर माइनस लगानी है तो अगर कोई कैरेक्टर मार सकते हैं तो मार सकते हैं, जैसे मैंने अभी बग मारा है तो मुझे इसके 20 पॉइंट मिल गए। तो हमें माइनस लगा रहे हो, अगर आप कैरेक्टर गिर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर गिर करने से होता है 20 पॉइंट मिलेंगे हमें। तो माइनस भी लगाओ साथ में कैरेक्टर भी गिर करो। तो मैंने बंदे मार लिए, तो और मैं खुद भी मर गया। तो जैसे कि मेरे माइनस भी लग चुकी है और मेरे दो कैरेक्टर किल करे, इसका मतलब मेरे को 40 पॉइंट मिले। तो ऐसे अपन को पॉइंट इकट्ठे करने हैं। तो इससे ये होगा, अगर अपन 12,000 पॉइंट कर लेंगे तो हमें कैरेक्टर मिल सकता है। तो अगर गाइस आपको अच्छा लगा तो मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो भी बनाऊँगा। अगर इस वीडियो पर कमेंट्स अच्छे हैं या व्यूज अच्छे हैं तो मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाऊँगा। तो जैसा मैं कर रहा हूँ ना वैसा करना है आपको, लावा वाला मैप खेलना है और माइनस लगानी है। आपके आईडी में कोई कैरेक्टर ऐसा होगा जिसकी लेवल ज़्यादा होगी, तो उस लेवल मतलब जिसके ज़्यादा लेवल है ना उसके माइनस लगाओ, जो क्या होता है उससे कैरेक्टर किल करने में आसानी होती है। जैसे मेरा स्केप अभी 15 लेवल का है तो मैं किसी भी कैरेक्टर को आसानी से मार देता हूँ, तो उसके 20 पॉइंट मिल जाते हैं। तो अभी मैंने देखा, अभी तो मैं माइनस भी लगा रहा हूँ और कैरेक्टर भी किल कर रहा हूँ साथ में, तो इससे ये होगा पॉइंट्स भी प्लस होंगे और मेरी माइनस भी लगेगी। माइनस लगाने के बाद फिर मैं दोबारा कोई सा मैच खेल के और कैरेक्टर किल कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे होंगे। तो वैसे गाइस आप कमेंट्स में बता सकते हो कि मेरे को वॉइस ओवर वाली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर नहीं बनानी चाहिए तो मैं नहीं बनाऊँगा। अगर इस वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आए और कमेंट्स में अच्छे आए तो मैं बनाऊँगा। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है वॉइस वाली वीडियो बनाने का, पर अगर आप बोलो तो बनाऊँगा ज़रूर। तो आपको सेम ऐसे करना है वैसे मैं कर रहा हूँ, एक दो कैरेक्टर किल करके और माइनस लगानी है। तो हाँ, लावा में बैठ जाता हूँ, इससे माइनस चली लगी। तो देखो मेरी 9 माइनस की लग चुकी है। माइनस लगाओ जितनी लगा सकते हो, जितनी कम ट्रॉफी होगी उतने नॉर्मल बंदे आएंगे तो आपको मारने में आसानी होगी।
ठीक है गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में वो बता देना, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, thank you.
Thank you.
तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास जितने भी कैरेक्टर हैं आईडी में, जितने भी कैरेक्टर हैं, मैंने सारे इवेंट जीत के निकाले हैं। इसलिए जल्दी कैरेक्टर हम अनलोड कर सकते हैं। क्रेट्स में तो बहुत धीरे निकलते हैं, क्रेट्स में नहीं निकलते कैरेक्टर, उसमें तो बहुत कम चांस होता है। तो इससे अच्छा है तुम इवेंट जीत के कैरेक्टर निकालो, ये सबसे सही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। देखो मैंने 2960 पॉइंट्स कर लिए, तो मेरे को 12,000 करने हैं, तो मैं कर लूँगा और आपको दिखाऊँगा कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।